राजीव जी, जी अब अलग अलग केसेस हैं, कोई पैसे की वजह से, कोई किसी वजह से। इंदौर वाला तो वैसे बहुत ही चमत्कार हुआ था, वो अचानक कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ वहां के उम्मीदवार की फोटो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आपने सुना ही संजीव झा को, आपने सुना आलोक जी को, सवाल ये है वो सारी की सारी उंगलियां बीजेपी की तरफ उठा रहे हैं कि ये लोकतंत्र को हाईजैक करने का एक तरीका है, उधर के उम्मीदवारों को अपनी तरफ करना। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हताशा और बौखला है। आप बार बार केवल ये कहेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, उनके पास असीमित संसाधन है, इसलिए आपके लोग निकल रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मुश्किल दौर का सामना इस देश ने किया है। उस समय मीडिया को कोसने की स्थिति भी नहीं थी, इसलिए केवल एक राज्य सत्ता केंद्रित संपोषित एक केवल माध्यम था आकाशवाणी और दूसरा दूरदर्शन का आरंभिक चरण। और उसके बाद लोग उसके बाद भी सड़कों पर उतरते थे, अपनी बातें रखते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर पूरे देश में आंदोलन हुआ। आंदोलन ने उस समय सिंहासन को हिला दिया, सरकार बदल दी। अभी इसलिए हर बार ये बचकाने जो तर्क है, इससे आप बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी बेचारगी और अपनी जो कमजोरी है उसको जाहिर कर रहे हैं कि आप मुकाबले के लिए तैयार नहीं दिखते। आपके लोग निकल रहे हैं तो निसंदेह इसकी वजह ढूंढिए। अब मैं आलोक जी को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने सुना और आपको भी सुना, और जिनका जिन्होंने अपना सिंबल लौटाया, उन्होंने राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रति अपना समर्पण दोहराया। लेकिन आपकी भाषा और केसी वेणुगोपाल जी की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं जो पार्टियों का जो स्वरूप है, जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी जो कार्यकर्ताओं के साथ संवादहीनता की जो स्थिति है उसको बयान कर, आपने जो कहा मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये कहना कि वो उनकी जमानत जब्त हो गई या जो भी हुआ, मुझे लगता है आपने तो सब कुछ देख करके उन्हें उम्मीदवार बनाया। अगर आप कमजोर उम्मीदवार खुद बना रहे थे तो ये आपकी कमजोरी हो सकती। लेकिन इसका आप अगर ये पूरा का पूरा जो ठिकरा है आप उम्मीदवार पर फोड़े, बजाय इसके आपको समस्याओं का आकलन करना होगा। और हम सब लोग राजनीति में हैं, कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं होती है, तो पार्टी का जो नेतृत्व है वो ऐसे उम्मीदवारों के चयन के साथ वैकल्पिक प्रबंधन पर बात करता है। कई साधन वाले जो उम्मीदवार होते हैं अपने संसाधन से लड़ते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं संवादहीनता है और कार्यकर्ताओं से आपकी दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए देखिए प्रश्न बहुत सीधा है। ना तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, चुनावी राजनीति के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी इधर से उम्मीदवार इधर से उधर जा रहा हो और उधर से इधर आ रहा हो। लेकिन अरविंदर सिंह लवली का केस ले लीजिए, आपने सुचारिता मोहंती का पूरा इंटरव्यू देखा, बीजेपी के दबाव में तो दोनों नहीं दिख रहे, ऐसा साफ है। सुचारिता मोहंती ने तो यहां तक कहा कि मेरी लॉयल्टी आज भी राहुल गांधी को है, कांग्रेस मेरे डीएनए में है। लेकिन बीजेपी पर मर देना कि वो ये कर रहे हैं, ये कहां तक उचित हो? देखिये मैंने तो चुनाव लड़ा इसलिए मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि एक आम आदमी के लिए फंड इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और वो आप ही बता दीजिए कितना पैसा लगता है आशुतोष जी। नहीं मैं अगर आप ही बता दीजिए, मैं अगर उसका हिसाब किताब दूंगा तो जो लिमिट है उस लिमिट से तो कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाता। देखिए ईमानदारी की बात यह है, मैं आपको खाली एक फैक्ट दे रहा हूँ, आप बाकी निष्कर्ष आप निकाल लीजिएगा। मैंने जब चांदनी चौक का चुनाव लड़ा कितना है, नहीं नहीं आशुतोष जी उसकी कोई सीमा नहीं है, अंजना जी उसकी कोई सीमा नहीं है। एक आम कैंडिडेट जो वो मिनिमम कितना आप मान के चलिए 3 से 5 करोड़ रुपए लोग खर्च कर ज्यादा ही खर्च करते होंगे। मैंने जो मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं इतने पैसे इकट्ठा कर पाता, तो मैंने जितने पैसे इकट्ठा किए थे उसका एक एक पाई का हिसाब मैंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका जो खर्चा था वो ऑन पेपर लगभग 60% कम था मुझसे। और जब मैं देखा तो मैं सिर्फ हंस सकता था और मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे थे, मेरे कितने पोस्टर बैनर थे, उनके कितने पोस्टर बैनर थे। खैर उस डिबेट में नहीं जाना चाहिए, वो डिबेट अपने आप अलग डिबेट है। अगर आप चुनाव लड़ने की सामर्थ्य आपके पास नहीं तो फिर नहीं लड़ना चाहिए चुनाव, मैं तो साफ तौर मान रहा हूं। इसीलिए शायद वन ऑफ द रीजंस का आपका डाउट ऑल्सो फैक्ट क्या आज की तारीख में।
फैक्ट आज की तारीख में यह है कि जब कांग्रेस पार्टी अरविंदर सिंह लवली जैसे लोगों को पार्टी में शामिल करती है और उनको फिर अध्यक्ष बना देती है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना कि आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग जब पार्टी जिनको पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया दिल्ली सरकार के, यही अरविंदर सिंह लवली थे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, शीला दीक्षित के बड़े करीबी माने जाते थे, पार्टी के प्रेसिडेंट बने, एमएलए बने, मंत्री बने, और जब पार्टी क्राइसिस में है तो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, और जब बीजेपी में भी इनको नहीं अपनी दाल जमी तो दोबारा वापस कांग्रेस पार्टी के अंदर एक साल के अंदर आ गए, और फिर अब इनको पार्टी ने उनको अध्यक्ष बना दिया, अब ये फिर पार्टी छोड़ के फिर बीजेपी में चले गए। तो ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये विशुद्ध तौर पर अवसरवादिता है। और ऐसे ही लोग जो है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस पार्टी में हो, ये राजनीति को ऐसे ही लोग गलत साबित करते हैं और राजनीति को ऐसे ही लोग घृणित बनाते हैं। अन्यथा आपकी विचारधारा कैसे बदल सकती, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस से अचानक बीजेपी में चले जाते तो आपकी विचारधारा बदल जाती, फिर आप कांग्रेस चले जाते फिर आपकी विचारधारा बदल जाती, फिर बीजेपी से फिर कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले जाते फिर आपकी विचारधारा बदल जाती। मतलब विचारधारा ना हुई पता नहीं क्या चीज हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि ऐसे लोग अगर पार्टी छोड़ के चले जाए तो बेहतर है, इनसे बेहतर तो आलोक शर्मा जैसे लोगों को पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए कि कम से कम संकट के समय में चाहे टेलीविजन चैनल हो चाहे बाहर हो लड़ तो रहे हो कम से कम, वो भाग तो नहीं रहे। अरे आशुतोष जी मत छुइए उनका कमजोर नव्स, आलोक शर्मा जी का कमजोर नव्स मत छुइए। आलोक जी, आलोक जी हमारे मित्र है, अनंत काल से बने हुए हैं प्रवक्ता, और शायद नहीं नहीं सुनी सुनिए, अनंत काल से प्रवक्ता बने हुए हैं, रोज टीवी पर लड़ते हैं, मुझसे भी लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं, बीजेपी वालों से लड़ते हैं, लेकिन उनका क्या भविष्य कांग्रेस में है उसको लेकर उनकी भी रात की नींद उड़ती होगी। सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से ये सोचना, एक सेकंड, जो प्रश्न सिद्धार्थ यादव ने उठाया था उस पर दो लाइन का जवाब फिर मैं जाऊंगी सिद्धार्थ यादव के साथ। वो कह रहे हैं आऊंगी आऊंगी आलोक जी, आऊंगी आलोक जी, लेकिन टीवी पर आप कहां अपना दर्द बता पाइएगा, कोई नहीं बता पाता है। संबित पात्रा जैसे लोग जो कि प्रवक्ता थे टीवी पर लड़ रहे थे, उनको पूरी से इसी पूरी में देखिए आज बात जिसकी हो रही है, जिस सीट की वहां से वो उम्मीदवार है, पिछली बार 7-8 हजार से हारे थे और इस बार वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है जो सिद्धार्थ यादव ने उठाया था, आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है तो मत लड़ो चुनाव, लेकिन पार्टी भी तो पैसा देती होगी ना, कुछ तो पैसा देती होगी। हर उम्मीदवार सिर्फ अपने दम पर, क्या उम्मीद रखा जाए कि वो सिर्फ अपने दम पर लड़ेगा? अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिर्फ राहुल गांधी के रायबरेली नॉमिनेशन में इतना कुछ खर्च किया जा सकता है, तो क्या उम्मीदवारों का ख्याल रखना पार्टी की जवाबदेही नहीं है? दो लाइन का जवाब आशुतोष। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, वो जिस लेवल पे जाके खर्च कर सकती वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है, वो बिल्कुल कांग्रेस छोड़िए किसी और पार्टी के बस की बात नहीं है वो। और अगर आप, अगर कांग्रेस पार्टी इतना भी अगर प्राइवेट जेट भी नहीं हायर कर सकती तो फिर कैंपेन क्या करेगी? अगर राहुल गांधी के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? तो ये कहना कि नहीं उनके दो दो जेट है, तीन तीन जेट है, चार चार, आप क्या चाहते हैं बैलगाड़ी से जाके कैंपेन करें वो? तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वो भी करा देगी उनको, कल बैलगाड़ी से कैंपेन करेंगे भाई। इसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी जी कितने कितने जेट से चलते हैं, अमित शाह कितने जेट से चलते हैं, जेपी नड्डा किस जेट से चलते हैं, उनका भी तो हिसाब हो जाए ना। सिद्धार्थ यादव जी, सिद्धार्थ यादव अंजना जी 10 सेकंड देने पड़ेंगे इसका सीधा जवाब जी। अब अंजना जी एक छोटा सा जवाब आप अवसर दीजिएगा। पहले तो आशुतोष जी जो अभी बात कर रहे थे ना, लोग विचारधारा में जाते हैं वहां से बाहर निकल के आ जाते हैं, यही पूरी देश की जनता रोज आशुतोष जी के बारे में बोलती है। कभी ये कांग्रेस पार्टी में लग रहे होते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में गए थे छोड़ करके आगे, कभी विश्लेषक हैं, कभी पत्रकार हैं, तो आइडियोलॉजी कौन कितनी बदलता है उस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। पर अभी मैं आलोक शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी कह रहे थे, आलोक एक काबिलियत है कांग्रेस पार्टी में, मैं पूछना चाहता हूं ये गंदे कपड़ों की गठरी आपकी पार्टी में रखी कहां है? कोई भी बाहर चला जाए तुरंत, वही तो था भ्रष्टाचारी, वही तो था धोखेबाज, यही तो था सबसे बड़ा दोगलेबाज। अरे आप ही की कैंडिडेट जो सेकंड नंबर पे आई थी उसकी जमानत जब्त करवा दी, उसको प्यार प्यार से कहते रहे अरे कार्यकर्ता तो है लगेगी, तो पहले से पता होना चाहिए था ना कि चुनाव लड़ना है तो पैसे चाहिए, इसलिए हमको हटाना था, ये तो समझ ही गई थी। ये व्यवहार अगर आप करेंगे और जैसा गांधी परिवार पूरी पार्टी के साथ करती है, अगर प्रवक्ता भी बैठ करके कैंडिडेट्स के साथ करेंगे तो कौन आपको छोड़ करके नहीं जाएगा? आम आदमी पार्टी के साथ ही अभी कह रहे थे कि जनतंत्र खतरे में आ गया क्योंकि सूरत में ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। अरे जब डिंपल यादव निर्विरोध
लोग जीत गई थी तब जनतंत्र खतरे में नहीं आया था। आपको 66 बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया आज से पहले, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। पूरी पार्टी को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, तब संविधान खतरे में नहीं आया। सारा जनतंत्र आज ही खतरे में है। पहली बार मुख्यमंत्री नहीं गए आप कभी, उससे पहले जब मुख्यमंत्री गए थे तब लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ था, केजरीवाल जी चले गए तो लोकतंत्र को बहुत कुछ हो गया। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है अंजना जी, इस कांग्रेस पार्टी की, यही इनकी समस्या है। और इसीलिए आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी का सूर्य अस्त हो चुका है, राहुल गांधी पस्त हो चुका है और देश इनसे त्रस्त हो चुका है, इसलिए इनका किला ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की हालत गांधी परिवार के कारण ऐसी है, जो परिवार नहीं तो आदर्श ये नहीं तो अगस्ता वेस्टलैंड वालों के पास पैसा नहीं होगा, फोर्स वालों के पास पैसा नहीं होगा, कॉमनवेल्थ वालों के पास पैसा नहीं होगा, डिवास स्कैम वालों के पास पैसा नहीं होगा, आईपीएल स्कैम वालों के पास पैसा नहीं होगा, अरे ए से लेकर के जेड तक जिनकी श्रृंखला थी, जिन्होंने देश को लूट खाया, उन लोगों के पास पैसा नहीं होगा। यहां बैठ करके नैरेटिव बनाने का काम करते हैं अंजना जी। कांग्रेस पार्टी की हालत देश की जनता खुद बना रही है, क्योंकि वो चाहती है, वो जानती है कि जो पार्टी देश की फॉल्ट लाइंस पे खेलती है उसको देश की जनता नहीं चुन सकती, इसीलिए इनके कैंडिडेट्स मारे मारे भाग रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दिल्ली में मंडल अध्यक्ष तो आपसे बनवाए नहीं गए, वो प्रदेश का अध्यक्ष आपको कहता रहा कि मैं अपना कैडर नहीं बना पा रहा, और आप आज उनको निकलने के बाद कह रहे हैं ये था धोखेबाज, इनको पहले सोचना चाहिए था। थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा आलोक शर्मा जी अपनी पार्टी के अंदर, नहीं तो 135 साल पुरानी पार्टी की यह हालत आज हो गई कि मुझे जवाब देने आलोक जी। देखिए आज मैं काशी में हूँ, ठीक है, बनारस में हूँ, और मैंने आपके जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उनका इंटरव्यू भी किया, हम लोग चलाएंगे चैनल पे। 2014 में वो लड़े, अरविंद केजरीवाल भी आकर लड़े थे, सब पस्त हो गए प्रधानमंत्री के सामने, तब तो खैर 54 या 56% वोट पीएम को आए थे। 2019 में फिर पीएम को 63% से ज्यादा वोट आए। दूसरे नंबर पर शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की थी, जिनको शायद 16 या 18% वोट आए, और 14% वोट अजय राय जी को आए, जो कि अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रश्न ये है कि देखिए, आप बार बार कहें कि सिर्फ चुनावी जीत सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जनता ही तो तय करती है ना लोकतंत्र में कि कौन सही है कौन गलत है, किस पर भरोसा है किस पर भरोसा नहीं है, कौन विश्वसनीय है कौन अविश्वसनीय है। तो ऐसे में उस पैरामीटर को अगर आप देखें तो ये जो पूरा ताना बाना एक बन रहा है, उसमें कई उम्मीदवार या कई जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उनको ये लगता है कि उस तरफ हम रहे जहां पर हमें उम्मीद दिख रही है, जहां पर एक लोकप्रिय नेता है। क्या ये भी एक उसका पर्सपेक्टिव नहीं है, ये एक चैलेंज नहीं है आप लोगों के लिए आलोक जी? और वो जरूर बताइएगा कि आपकी बारी कब आएगी, आपको कब टिकट मिलेगा। दो तीन चीजें हैं, देखिए अंजना जी, मुझे लगता है दो तीन चीजें यहां पर सामने आई। सबसे पहली चीज तो जो आशुतोष जी ने भी कही और मैं भी कह रहा था कि 2014 के बाद कोई भी चुनाव इतना महंगा हो गया है कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार जो बात कांग्रेस के लिए लोग कहते हैं और टीवी पर कहकर बेशर्मी से चले जाते हैं, अरे भाई 10 साल से आपकी सरकार थी, बोफोर्स में आप लोगों ने क्लीन चिट दी, 2G में आप लोगों की सरकार ने क्लीन चिट दी। लेकिन ठीक है, लज्जा अगर किसी ने उतार कर साइड में रख दी हो तो आरोप लगाना बहुत आसान रहता है। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी 10 साल सरकार थी, एक FIR बता दीजिए जिसमें एक भी व्यक्ति कॉन्विक्ट हो गया हो कांग्रेस का। लेकिन आज लवली के प्रति कहीं ना कहीं इनका जो प्यार है वो बड़ा उमड़ रहा है। पर खुद बाहर, अरे भाई हमने किसी को नहीं कहा, आप लोगों ने जिनके खिलाफ सीडियां निकाली, जिनको भ्रष्टाचारी कहा, उनको सबको आपने वॉशिंग मशीन में धोकर और अपनी पार्टी में शामिल किया। अब बात आती है किसी भी कार्यकर्ता की कि उस कार्यकर्ता को कब क्या मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का संघर्ष काल है, मेरे पास भी डर भी आए, लालच भी आए, सब कुछ आया। मैं अब टीवी पर उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक सिपाही के नाते कांग्रेस पार्टी के साथ आज भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। मेरे भाग्य में मिलना होगा तो मुझे यहां पर मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है, ठीक है सिर्फ दो लाइन सिद्धार्थ जी, टाइम खत्म हो गया, सिर्फ दो लाइन। अंजना जी, जो लोग जिनका शाही परिवार खुद बेल पर बाहर है वो बैठ करके बोल रहे हैं किस पे क्या कार्रवाई हुई। अरे शाही परिवार बेल पर बाहर है 5,000 करोड़ के स्कैम में, और आलोक जी टिकट इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आलोक जी ले नहीं रहे। उनको पता है कांग्रेस की टिकट लेके कहीं भी लड़ूंगा हारना ही है, तो क्या फायदा जाकर के हार